सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप और ब्लड कैसे इंटरेक्ट होता है, ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, वो सारा का सारा सिस्टम आप समझेंगे सीखेंगे। क्योंकि बिंग अ मेडिको और बिंग अ बायो स्टूडेंट आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि ब्लड जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर होता है जिससे ब्लड जो होता है वो ट्रांसफ्यूज हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन के क्या रिएक्शंस होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को कुछ कहा जाता है, ए बी को कुछ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारा चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप इज़ डिस्कवर बाय लैंड स्टीनर एंड वेनर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। उन्होंने सब लोगों को बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होता है कुछ ए बी और ओ होता है। तो लैंड स्टीनर और वेनर ने सबसे पहले लोगों को बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और कितने टाइप के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग में प्रेजेंट होते हैं। तो इन ह्यूमन बींग ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ प्रेजेंट। ए बी ओ कहने का मतलब है कि द ब्लड ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो ए बी ओ मतलब कि ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें ये सारे के सारे चीज़ें होती हैं, ये सारे के सारे ब्लड अवेलेबल होते हैं, जिसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहने का मतलब है कि जिसमें ए भी ब्लड हो, बी भी ब्लड हो, ए बी भी ब्लड हो और ओ भी हो, तो उसी को हम ए बी ओ सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले लैंडस्टीनर और वेनर ने डिस्कवर किया है और लोगों को बताया है कि जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ टाइप का होता है ह्यूमन बींग में, और ए बी ओ में ए आता है, बी आता है, ए बी आता है और ओ आता है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से इस पूरे सिक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा और ये अगर आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाता है तो मतलब कि मेजोरिटी ऑफ ब्लड का हिस्सा वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपको लाइव इसको लिख के बताऊंगा, क्योंकि जब आप लाइव लिख के बताऊंगा तो उसको समझना थोड़ा सा बहुत ही आसान रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको ब्लड है, कोई भी ब्लड है, हमें तो पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप अगर है तो यहाँ पर अगर देखेंगे चार्ट में ऐसा बताया गया है कि ब्लड ग्रुप हमारे जो होते हैं चार्ट चार्ट टाइप के होते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है, हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, राइट। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं। आखिर ये ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं, यानी कौन इसे डिटरमाइन करता है? तो बेसिकली जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है वही ब्लड को डिटरमाइन करता है। यानी क्या होता है फिनोटाइप? सपोज़ कि आर बी सी है, आरबीसी अभी मैंने बताया था आपको ब्लड के अंदर कि आरबीसी जो होता है बाइकनकेव शेप होता है। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, आरबी की सरफेस के ऊपर जो होता है एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन इज़ बेसिकली प्रेजेंट, एंटीजन इज़ बेसिकली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, और इसके अंदर जो होता है एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी जो होता है सरफेस के अंदर होता है, मतलब प्लाज्मा के अंदर होता है। मान लीजिए आरबीसी है तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन और अंदर जो होता है एंटीबॉडी होता है। तो ये डायग्राम आप बना के रखिए, क्योंकि ये डायग्राम जो होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको काफ़ी मदद मिलेगी आपको याद करने में, ठीक है। तो इसको मदद मिलेगी आपको याद करने में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंटीजन ऊपर होता है और एंटीजन सरफेस के ऊपर होता है और एंटीबॉडी जो होती है अंदर होती है। ये आपको अगर क्लियर है तो मैं बता देता हूँ। तो जो भी, जैसे मान लीजिए फिर से मैं आरबीसी का स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज़ अ एंटीजन और अंदर जो होता है हमारा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो एंटीजन जो होता है वही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, यही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। मान लीजिए कि अगर किसी सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसके सरफेस के ऊपर मान लीजिए बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर इसके सरफेस के ऊपर ए बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर मान लीजिए इसके सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसे डैश है, तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा ओ होगा। यानी एंटीजन इज डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यानी एंटीजन जो होता है हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंटीजन लिख देता हूँ और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है कि ए एंटीजन होगा तो तभी हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन होगा तभी हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा,
और ए बी होगा तभी ए होगा, और कुछ भी नहीं होगा तो हमारा ओ हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो अभी मैंने बताया था, यस, तो अभी मैंने बताया था कि इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है और अंदर जो होता है हमारा एंटीबॉडी होता है। तो एंटीबॉडी जो होता है इसके अपोजिट होता है, मतलब कि इसके अपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। और अभी मैंने बताया कि जो एंटीबॉडी होता है वो जस्ट उसके अपोजिट होता है। तो मान लीजिए कि एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अगर मैं लिखूँ तो ए का अपोजिट स्मॉल बी हो जाएगा, बी का अपोजिट स्मॉल ए हो जाएगा। इसका इसमें कुछ भी नहीं रहता और इसमें दोनों रहता है, ये थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। तो एंटीबॉडी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, और ये हमेशा डायग्राम आपके दिमाग में घूमना चाहिए, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है और अंदर हमारे एंटीबॉडी होता है, अंदर हमारा एंटीबॉडी होता है। तो अंदर वाला अगर मान लीजिए सरफेस के ऊपर ए होगा तो ऑब्वियस है इसके एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, बी होंगे, और ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाएगा। ऐसे मतलब कि आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ऑब्वियस है इसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा, सॉरी स्मॉल ए होगा, है ना। तो ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं इस छोटे से डायग्राम से। सिर्फ छोटे से डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। फिर बात आती है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपियरेंस, लाइक मतलब कि कैसे फिजिकल अपियरेंस नहीं, मतलब कि जेनेटिकली कैसे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आई ब्लड ग्रुप ए को लिखते हैं हम आई ए स्लैश आई ए स्मॉल आई। सो दिस इज अ लाइक सिंबल और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप ए। तो इसे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर हम बी को लिखेंगे तो आई बी स्लैश आई बी स्मॉल आई, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। और ए बी को हम कैसे लिखेंगे, आई ए आई बी, और ओ को हम स्मॉल आई लिखेंगे। तो दिस इज अ बेसिकली जीनोटाइप ऑफ द ऑल ब्लड ग्रुप। सो जो अभी मैंने ये बनाया था उसी का जस्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आपको समझाना ईजी रहेगा। सो ब्लड ग्रुप यहाँ आप देख पा रहे हैं ए है, तो एंटीजन ए है और इसका एंटीबॉडी ठीक इसका अपोजिट, एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन आई ए स्लैश आई ए आई। तो सेम वही मैंने अभी पढ़ाया था वो है। फिर क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर और एम्स के अंदर कि बताइए पूरे हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के फिनोटाइप होते हैं, हाउ मेनी फिनोटाइप इज देयर एंड हाउ मेनी जीनोटाइप इज देयर। सो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपियरेंस, लाइक तो ए बन रहा है, बी है, ए बी है, ओ है, यानी चार टाइप के हमारे क्या हो गए, फिनोटाइप हो गए। और जीनोटाइप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीनोटाइप है। जीनोटाइप देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो 6 टाइप के जो हैं यहाँ पे जीनोटाइप प्रेजेंट है, 6 टाइप के जीनोटाइप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक, क्योंकि क्वेश्चंस इससे काफ़ी ज़्यादा आता है कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसको समझाने के लिए कि कैसे ब्लड एक दूसरे को हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और कैसे क्या होता है, मैं आपको एक अनदर स्लाइड में लाइव बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये सपोज आरबीसी है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर आप सबको पता है कि एंटीजन होता है, बहुत अच्छे से पता चल गया, और अंदर जो होता है एंटीबॉडी होता है, अंदर हमारे एंटीबॉडी होता है। तो मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सरफेस के ऊपर ए होगा और अंदर हमारे स्मॉल बी होगा। अगर मान लीजिए किसी सरफेस के किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ऑब्वियस है आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी होगा, अंदर हमारा ए होगा, है ना। किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसका क्या होगा, किसके सरफेस के ऊपर ए बी होगा, है ना, ए बी होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशंस बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप सारा चीज़ समझ पाएं कि कैसे एक दूसरे को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ आरबीसी, दिस इज अ आरबीसी, सरफेस ऑफ द आरबीसी देयर इज अ एंटीजन और इनसाइड द प्लाज्मा देयर इज अ एंटीबॉडी। सो दिस एंटीजन इज डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। तो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर ए है और अंदर
स्मॉल अंदर अंदर स्मॉल बी है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। यहाँ पे किसी का ब्लड ग्रुप बी है इसका मतलब सरफेस के ऊपर बी है, अंदर स्मॉल ए होगा, ए बी है तो ऐसे होगा। तो एग्जैक्टली जो अभी मैंने पढ़ाया था वही एग्जैक्टली है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन जो होता है, जब हम ब्लड को किसी को ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हाउ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज टेक प्लेस, हाउ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज टेक प्लेस। सो ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कैसे होता है, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के लिए एक रूल है, सो दैट इज कॉल्ड वेनर्स लॉ। वेनर्स लॉ, तो वेनर्स लॉ बताते हैं कि वेनर साइंटिस्ट है जैसे लैंडस्टीन और वेनर ने डिस्कवर किया था। तो वेनर्स बताते हैं कि एंटीजन, ध्यान दीजिएगा, एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। मतलब क्या हुआ, डोनर का मतलब जो देने वाला है, रेसिपिएंट जो लेने वाला है। तो एंटीजन ऑफ डोनर, एंटीजन जो होता है डोनर का, एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। समझते हैं आखिर कैसे है। मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और इनके फ्रेंड का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो इनका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप है तो इनके सरफेस के ऊपर ए होगा, है ना, और अंदर क्या होगा हमारा, अंदर जो होगा स्मॉल बी होगा। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरा पर्सन है, इनका दोस्त है, तो इनके सरफेस के ऊपर ए होगा और अंदर बी होगा, सिंपल है। तो रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, रूल ये बताती है कि सपोज डोनर, ये देने के इच्छुक है क्योंकि इनका जो फ्रेंड है, मान लीजिए इनका इस फ्रेंड का नाम एक्स है, नहीं एक्स और कुछ नाम रख लेते हैं, मान लीजिए राम रख लेते हैं और यहाँ पे श्याम रख लेते हैं, श्याम और राम दो दोस्त हैं, है ना। तो श्याम को चोट लग गई है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो राम कहते हैं कि मेरा ब्लड ले लो आप थोड़ा सा, है ना। तो ये डोनर हो गए और ये रेसिपिएंट हो गए, दिस इज़ अ रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट हो गए। तो रूल के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ मैं फिर से एक बार, एंटीजन ऑफ डोनर, तो दिस इज़ अ एंटीजन ऑफ द डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। तो एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट से रिएक्ट करेगा, मतलब कि ये कभी भी सिमिलर नहीं होना चाहिए, देख रहे हैं ए और बी बिल्कुल डिसिमिलर है, तो देर इज नो एनी रिएक्शंस, तो रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होंगे और रेसिपिएंट में कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। बेसिकली हम कंसर्नड है अपने रेसिपिएंट के लिए कि रेसिपिएंट के ब्लड में कुछ दिक्कत ना हो, तो उसके ब्लड में कुछ भी रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट और यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, समझिए जरा ये क्या है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, द रिएक्शंस बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सीरोलॉजी। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस, एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस को बोलते हैं हम सीरोलॉजी। तो ब्लड ग्रुप ए है तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई पर्सन है, ब्लड ग्रुप ए है तो सरफेस के ऊपर ए, अंदर स्मॉल ए, ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, इन्हें चोट लगी है, बेचारे थोड़े से चिंतित हैं। तो ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर हम मान लीजिए बी है तो इसके सरफेस के ऊपर जो है बी है, अंदर ए है, तो ए देख रहे हैं, ए जो देख रहे हैं सेम हो गया, तो ए और ए सेम हो गया तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब जिसके अंदर डालेंगे और ये रोने लगेगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो दिस इज हाउ द ब्लड इज ट्रांसफ्यूज, कैसे कैसे ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये तरीका होता है। सो लॉ ऑफ ट्रांसफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड वेनर्स लॉ। अभी हमने वेनर्स लॉ के बारे में समझा था। सो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। एक देख रहे हैं ए वाला, एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, और ये सिमिलर नहीं है। तो अगर सिमिलर नहीं है, ए इज नॉट सिमिलर टू द स्मॉल बी, सो देर इज नो रिएक्शंस इन द रेसिपिएंट, और रिएक्शंस नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अब थोड़ा हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ओ में क्या है। ओ है इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है और अंदर ए बी है, है ना, अंदर ए बी है। तो हमें लॉ तो पता है, एंटीजन ऑफ डोनर, मान लीजिए कोई
ए ब्लड ग्रुप है किसी का, तो ए ब्लड ग्रुप है तो इसके सरफेस के ऊपर ए होगा और अंदर स्मॉल बी होगा, तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, तो नो रिएक्शंस, है ना, क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं है तो कहाँ से रिएक्शन होगा। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस के ऊपर बी होगा, अंदर ए होगा, तो एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद द एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, नो रिएक्शंस। तो एंटीजन ही नहीं है तो रिएक्शंस तो होने के चांसेस ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ एंटीजन इज एब्सेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, सो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिएक्शंस इज सीन, देयरफॉर ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हस्बैंड का ब्लड, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IA IA/IA i, और वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है तो बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, IB IB/IB i, राइट। तो एक तरफ हम स्लैश के बाद जो है वही कंसिडर करेंगे, तो IA 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 और स्लैश के बाद स्मॉल आई ए वाला आ गया, और ये वाला यहाँ पे देख लीजिए IB और स्मॉल आई, तो IA IB यहाँ पे ये बन गया, IB/i यहाँ पे ये बन गया, IA/i यहाँ पे बन गया, और IA/i यहाँ पे बन गया। तो IA IB दैट इज ब्लड ग्रुप AB, IB/i ब्लड ग्रुप B है ना, और IA/i ब्लड ग्रुप A, और IA/i ब्लड ग्रुप O। तो देखिए यहाँ पे ए भी ब्लड ग्रुप बन रहा है ना, बी भी बन रहा है, ए बी भी बन रहा है, ओ भी बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी इज AB AB and O। क्वेश्चन है द चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है, द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप इसमें से नहीं हो सकता है, द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी AB AA AB और O और BNO, प्लीज आंसर इसका बताइए। तो RH फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे अब, कि RH फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, उसका रोल ब्लड ग्रुप में क्या होता है। तो द वर्ड RH इज डराइव फ्रॉम द रीसस मंकी, RH मतलब रीसस मंकी में डराइव किया गया है, द वर्ड RH इज डराइव फ्रॉम द रीसस मंकी, एंड दिस RH फैक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय द वेनर, वेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे लैंडस्टीनर और वेनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, और वेनर ने ये बताया था ट्रांसफ्यूजन रूल बताया था कि हाउ द ब्लड इज ट्रांसफ्यूज वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन रूल बताया था, तो उन्होंने ही, वेनर ने ही लोगों को बताया था कि RH फैक्टर क्या होता है। तो RH फैक्टर सबसे पहले रिसस मंकी से डराइव हुआ था, सो इट इज़ अ एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ RBC। अब देखिए शायद ये आप समझ नहीं पाएंगे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या है। सपोज दिस इज अ RBC, ठीक है, ये RBC है, अगर मान लीजिए RBC के ऊपर एक एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन, RBC के ऊपर अगर एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उसी को हम RH फैक्टर बोलेंगे। तो दिस इज अ एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन, और आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है ना, और अंदर जो होता है एंटीबॉडी होता है, अंदर जो हमारा होता है एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप, अगर मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप जो है ये ए है, तो इसका मतलब हुआ कि इस सरफेस के ऊपर ए होगा और अंदर हमारा स्मॉल बी होगा, अंदर जो होगा हमारा स्मॉल बी होगा, अंदर जो हमारा होगा वो स्मॉल बी होगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है और यू कैन से ग्लाइकोप्रोटीन इवन, तो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको हम ए पॉजिटिव बोलेंगे, यानी RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ए पॉजिटिव का मतलब RH पॉजिटिव। ठीक ऐसे ही दूसरे सिनेरियो देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर ए है और इसके अंदर स्मॉल बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी एडिशनल प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में उसका जो ब्लड होगा ए नेगेटिव होगा। सो हाउ द ए पॉजिटिव एंड हाउ द ए नेगेटिव इज फॉर्म, सो दिस मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द ए पॉजिटिव एंड हाउ द ए नेगेटिव इज डेवलप। सो RH फैक्टर is derived from the rhesus monkey and it was discovered by the Wiener, and it is a antigen protein present on the surface of RBC. यहाँ पे सेम वही डाइग्राम है,
कि एंटीजन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ द एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसी देन द ब्लड विल बी पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव. तो यहाँ पे देखिए डॉट 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 है, दैट इज कॉल्ड एंटीजन प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज आर एच पॉजिटिव और यहाँ पे आर एच नेगेटिव है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसका क्लिनिकल फीचर है, दिस इज एराइथ्रोब्लास्टिस फेटालिसिस. सो द क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ दिस आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव. और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव हो, जैसे ए पॉजिटिव हो और किसी का ए नेगेटिव हो, तो क्या वो इंटेलिजेंट हो सकता है क्या? ए पॉजिटिव इंटेलिजेंट हो सकता है क्या? बी ए नेगेटिव इंटेलिजेंट नहीं हो सकता क्या? तो ऐसा इंटेलिजेंसी से या कोई बॉडी फिजियोलॉजी से कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इज डजंट योर इंटेलिजेंसी और एनी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज और फिजियोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, इट इज जस्ट प्रेजेंट और एब्सेंट, नथिंग एल्स, राइट. 93% इंडियन जो होते हैं, 93% इंडियन जो होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, यानी उनका ब्लड ग्रुप जो होता है मैक्सिमम लोगों का पॉजिटिव होता है. ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं. क्लिनिकल फीचर समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे कैसे ये पूरा का पूरा सिनेरियो डेवलप होगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, सपोज ये प्रेग्नेंट फीमेल है और इन प्रेग्नेंट फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच नेगेटिव है. ठीक है, इनके अंदर जो फीटर्स है इसका जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच पॉजिटिव है. ठीक है, तो आपको सबको पता है कि मान लीजिए कि मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मेम्ब्रेन के बाद ए प्लेसेंटा होता है और इस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से ए फीटस जो है यहाँ पे अटैच होता है, राइट. सो क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ अ फर्स्ट डिलीवरी इवेंट्स, इन फर्स्ट डिलीवरी के में, फर्स्ट डिलीवरी में क्या होगा कि जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है, आपको पता है कि जो मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं और जब वो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो ये मेम्ब्रेन टूटेगा, प्लेसेंटा टूटेगा और चाइल्ड धीरे धीरे मदर्स की बॉडी से बाहर आने लगेगा. तो जैसे वो मदर की बॉडी से बाहर आएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड से तो डायरेक्ट अटैच है प्लेसेंटा, तो जो जो इसका, क्योंकि आर एच पॉजिटिव मदर है, यहाँ पे इस सिनेरियो को देखिए, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा. दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एराइथ्रोब्लास्टिस फेटालिसिस व्हेन द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल. आर एच नेगेटिव ब्लड है किसका? आर एच नेगेटिव ब्लड है प्रेग्नेंट फीमेल का, जो यहाँ पे मैंने बताया, और आर एच पॉजिटिव जो है फीटस का है. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि इस बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होगा, कि जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा तो थोड़ा बहुत जो बच्चे का, क्योंकि बच्चे का तो ब्लड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ जो है नेगेटिव मतलब मैच कर जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव के कुछ कंटेंट इसके ब्लड में चले जाएंगे, मतलब मदर्स के ब्लड में चले जाएंगे. तो मदर्स के ब्लड में अगर पॉजिटिव आए, क्योंकि मदर का तो ब्लड नेगेटिव है, तो उसके लिए क्या है कि बाहर वाला चीज़ है तो फटाफट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा. अब ये एंटीबॉडी डिफरेंट है, पहले वाले से डिफरेंट है ये, मतलब कि ये ऐसा एंटीबॉडी है जो रोगों से लड़ने के लिए जाना जाता है. तो एंटीबॉडी बनेगा किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट. आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ऐसे एंटीबॉडीज बन गया. अब ये एंटीबॉडीज जो होगा पूरे मदर के बॉडी में कीप सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द इंटायर लाइफ इवेंट. तो ये बच्चा तो निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर सेकेंड डिलीवरी अगर होगी, सेकेंड टाइम में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या होगा? तो दिस एंटीबॉडीज जो पहले बने हुए हैं, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में बना हुआ है, दे क्रॉस द प्लेसेंटा एंड देन नाउ एंटर इनसाइड द फीटस. फीटस के अंदर जो है वो एंटर होने लगेगी. जो एंटीबॉडीज है वो धीरे धीरे प्लेसेंटा के थ्रू इस फीटस के अंदर चले जाएगा और फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा. तो द आरबीसी बिकम डिस्ट्रॉय. तो जो बच्चा पैदा होगा काफ़ी इनेमिक होगा, कमज़ोर होगा और बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकता है. तो देखिए यहाँ पे समझिए जरा फिर से एक बार अच्छे से कि आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल इज क्रॉस विथ या इट हैविंग आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस. तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? तो मदर्स ब्लड स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी
अगेंस्ट द आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये बच्चा जैसे निकल रहा है तो थोड़ा बहुत इसका ब्लड इनके मदर से एक्सपोज हो जाएगा, अगर मदर से एक्सपोज हो जाएगा तो मदर की बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी। तो जैसे एंटीबॉडी बनेगा तो दे कीप ऑन सर्कुलेटिंग। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट चाइल्ड, ड्यूरिंग द फर्स्ट चाइल्ड देर इज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देर इज नो एनी इशूज, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्सपोजर ऑफ मेटरनल ब्लड to the small amount of Rh positive blood from the fetus, but the first ही delivery में ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत blood जो होगा वो मतलब fetus का mother के blood से expose हो जाएगा। तो such cases the mother start producing antibody against Rh positive, क्योंकि बच्चे का जो Rh positive है इससे कनेक्ट हो गया है, तो कनेक्ट हुआ तो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत सारे क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस एंटीबॉडी कीप ऑन सर्कुलेटिंग एंड देन इट जो एंटीबॉडीज है फ्रॉम द मदर दैट इज कॉल्ड आर एच नेगेटिव कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ द फीटस दैट इज आर एच पॉजिटिव, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, दे लीड टू द सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस और इवन सीवियर केसेस दे लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस, तो लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस। तो क्या हम ट्रीटमेंट देंगे, क्या हम इलाज करेंगे एज अ डॉक्टर, हम क्या करेंगे कि अगर इसे हम बोलते हैं, अगर आप गायनी पढ़ेंगे फोर्थ ईयर में जाके, दिस इज कॉल्ड आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसलिए जो मदर प्रेग्नेंट होती है थर्ड मंथ में हमें दिखाने आती है तो उसका दो तीन चीज़ तो ज़रूर हम करते हैं, पहला कि दैट इज़ ब्लड ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो हमें ब्लड ग्रुप अगर पता हो तो फटाफट ट्रांसफ्यूजन करके उसका लाइफ सेव कर सकते हैं। उसका फिर ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच का मतलब ये होता है कि मतलब कि उसके ऊपर कौन कौन से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है या क्या नहीं है, ये कराना ज़रूरी है। एचआईवी टेस्ट कराना ज़रूरी है, वीडीआरएल कराना ज़रूरी है, यूरिन एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। मैं आपको किडनी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हाउ द यूरिन एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्रेग्नेंट फीमेल। तो अगर हमें पता चल जाए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो जो भी एंटीबॉडीज़ उसके अगर अगेंस्ट बनी है वो उसके लिए हो जाएगी और बच्चा हमारा सेफ रहेगा। सो कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हम सीखेंगे कि हमारा ब्लड जो होता है कैसे कोगुलेट हो जाता है। अगर हमें चोट लग जाती है तो ऑब्वियस है हमारा ब्लड कोगुलेट होना चाहिए, जमना चाहिए, नहीं तो हमें हमारा ब्लड जो है नॉन स्टॉप ब्लीड करता रहेगा और हमें ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, बीपी लॉस हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो द ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन द रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रॉमा। तो जैसे हमें कोई ट्रॉमा हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, फर्दर ब्लड लॉस नहीं हो पाता है। सो दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस को बचाता है। तो एक्सेसिव लॉस को ये प्रिवेंट करता है ताकि हमारा जो ब्लड है एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। सो इट क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। मतलब कि क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स बन जाते हैं, दैट इज़ फाइब्रिन मैश बन जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होंगे इंटेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं और फर्दर लॉस नहीं हो जाता है। सो द क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म मेनली एट द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड और फाइब्रिन इज अ डेड एंड डैमेज फॉर्म बाय द एलिमेंट और ब्लड वेसल इज ट्रैप्ड। तो न्यू जो ब्लड वेसल्स होंगे वहाँ पर इसी फाइब्रिन मैश के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फर्दर हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है। सो द फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइब्रिन जो होता है ये फाइब्रिन मैश बना लेता है, थ्रेड बना लेता है, तो जिससे फर्दर हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है। तो फाइब्रिनोजन विच इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आपको पता है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, मैंने पढ़ाया भी है, और ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होते हैं। तो दिस फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू द फाइब्रिन बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ऐसा होता है। सो दिस थ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा के अंदर एक और सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, विच इज कन्वर्टेड टू द थ्रोम्बिन बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। सो दिस थ्रोम्बिन इज एक्ट ओवर हियर,
this fibrinogen is converted into the fibrin, and this fibrin is form of fibrin mesh. ये फाइब्रिन मैश बनाता है, जिससे जो होगा हमारा जो ब्लड के सेल्स होंगे यहाँ पे बीच में फंस जाएंगे और फर्दर हमारा ब्लड जो होगा वो लॉस नहीं होगा. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस. तो जैसे मान लीजिए कि कोई इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, दे स्टिमुलेट द प्लेटलेट, प्लेटलेट को भी वो स्टिमुलेट करता है, एंड दिस प्लेटलेट सिक्रीट वैसो कंस्ट्रिक्शन फंक्शन. वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट करेगा. अगर किसी चीज़ को दबा देंगे तो ऑब्वियस है ब्लड नैरो हो जाएगा, तो ब्लड फर्दर लीक नहीं होगा. सो दे कॉजेज अ स्टॉपेज ऑफ द रिलीज ऑफ ब्लड और लीकेज ऑफ द ब्लड. यहाँ पे देख रहे हैं दिस फाइब्रिन मैश दे कॉजेज अ ब्लड क्लॉटिंग. एक जो फाइब्रिन मैश है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 बनाता है, जो 12 का बहुत बड़ा रोल होता है ये फाइब्रिन मैश को बनाने के लिए, ताकि फर्दर हमारा जो ब्लड है वो गिरे ना और कंटिन्यूस बहे ना, उसको रोकने में मदद करता है. सो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. कैसा भी कमेंट हो, मतलब कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे लिखिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा, कमेंट करूँगा. और बहुत ही मेहनत से मैं ये पूरे वीडियो को बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप पूरा देखें, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं और इससे सीख सकते हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरा देखा होगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो चैनल है और मैं हूँ आपको सफलता की ओर लेके जा सकूँ. थैंक यू सो मच.